नमस्कार साथियों, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन दोस्तों के लिए जिनका आज जन्मदिवस है। तो चलते हैं दोस्तों, आज चर्चा करने वाला हूं ARC फाइनेंस लिमिटेड पे, जो कि 1982 में निर्मित ARC फाइनेंस लिमिटेड विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। इसका कामकाज बहुत ही छोटा है मगर बहुत बड़ा है। छोटा है कि कम शब्दों में आ गया है इसका कामकाज, लेकिन इसका कामकाज हर क्षेत्र के लिए होता है, जो कि लगभग हर क्षेत्र में वित्तीय सेवा प्रदान के बगैर कोई भी काम नहीं होगा मेरे आइडिया अनुसार। बाकी एक आवश्यक सूचना, मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। अब चलते हैं इसके मुख्य डाटा पे, जैसा कि मार्केट कैप 253 करोड़ का, करेंट प्राइस 2.78 रुपये, जबकि बुक वैल्यू मात्र 63 पैसे का है। तो बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर में ट्रेड कर रही है ये शेयर, यानी कि 4 से 5 गुना के लगभग में। और स्टॉक पी 39.4 का है, तो स्टॉक पी तो काफ़ी अच्छा है, बट इसका ROC 0.69% है और ROE 0.53% है। ROC और ROE काफ़ी लो है। बाकी वन ईयर का प्राइस चार्ट देखने से तो समझ में आता है कि ये काफ़ी अच्छा है, इन्वेस्टरों को रिटर्न बना करके दे चुका है अभी तक। और अब एक नज़र क्वार्टरली रिजल्ट पे, तो सितंबर 2024 को ही कवर करेंगे, जो कि सेल्स 12 करोड़ 37 लाख का है और एक्सपेंस मात्र 6 करोड़ 33 लाख का। अदर इनकम इसका कुछ भी नहीं है और टैक्स वगैरह देने के बाद में इसके पास में नेट प्रॉफिट 3 करोड़ 38 लाख का, जिसके वजह से EPS 4 पैसा। तो अगर इस तरीके से परफॉर्मेंस अगर इस स्टॉक का रहा तो आगे चल के इस स्टॉक का प्राइस काफ़ी ऊपर में जा सकता है। बाकी पिछले कुछ क्वार्टर में देख सकते हैं जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है, बीच में माइनस में भी रहा है, प्लस माइनस ऐसे करके भी चला है। तो अगर माइनस में रिजल्ट देता है तब कुछ भी कहना संभव नहीं है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है शेयर प्राइस। बाकी लास्ट 12 मंथ का देखते हैं तो सेल्स 21 करोड़ 34 लाख का, जबकि एक्सपेंस मात्र 11 करोड़ का। टोटल कार्ड छाट करके नेट प्रॉफिट 6 करोड़ 42 लाख का, जिसकी वजह से EPS 7 पैसा। तो यहाँ पर भी रिजल्ट एक साल का अगर देखा गया तो काफ़ी अच्छा है इतना छोटा शेयर के लिए। बैलेंस शीट के मामले में इक्विटी कैपिटल इसका 50 करोड़ 50 लाख का है, जबकि रिजर्व इसके पास में 7 करोड़ 4 लाख है और ब्रोइंग 17 करोड़ 87 लाख का है। अदर लाइबिलिटीज 2 करोड़ 66 लाख का। इसका इन्वेस्टमेंट भी 4 करोड़ 29 लाख का है और टोटल एसेट जो है एक टाइम में लाख में रहता था 2014 के करीब में, अब वही बढ़ करके 78 करोड़ 7 लाख पे पहुंच चुका है। तो टोटल एसेट में बढ़ोतरी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, लेकिन बीच में अप एंड डाउन हुआ है। अब एक नज़र डालते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो प्रमोटर के पास में सितंबर 2024 के अनुसार 12.02% का है, जो कि एक अच्छे स्टॉक के लिए प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है इस स्टॉक में, और पब्लिक के पास में 87.98% का है। बट एक और बात है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अगर देखते हैं तो इस स्टॉक के प्रति इन्वेस्टरों का रुझान काफ़ी अच्छा बढ़ा है, यानी कि ज़्यादा संख्या में इन्वेस्टर हो गए हैं, संख्या बढ़ी है और पब्लिक की संख्या बढ़ी है,
जैसा कि देखने में आ रहा है। इस स्टॉक में नया न्यूज कुछ भी नहीं है, ये 18 अक्टूबर का ही लास्ट अपडेट न्यूज है जो कि न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट से संबंधित है। जैसा कि आप लोगों के सामने है न्यूज़पेपर पब्लिकेशन ARC फाइनेंस लिमिटेड का, तो उसमें आपको दिख रहा होगा आवर प्रमोटर इसके ग्रोथ फंड प्राइवेट लिमिटेड फॉर सर्कुलेशन टू एलिजिबल इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ARC फाइनेंस लिमिटेड इशू डिटेल लिस्टिंग एंड प्रोसीड्यूर। तो जैसा कि आपके सामने है राइट इशू का ओपनिंग और क्लोजिंग डेट 21 अक्टूबर 2024 को ओपनिंग है और क्लोजिंग डेट है नवंबर 18 2024 को। हाँ तो दोस्तों, इस शेयर में खास क्या था और क्या है जो कि आपके स्क्रीन पर है, काफ़ी छोटे छोटे अक्षरों में है, तो इत्मीनान से देखने की कोशिश कीजिए। राइट इशू निकाला गया है कितना, तो 40,39,60,000 इक्विटी शेयर है जो कि फेस वैल्यू 1 रुपये के हिसाब से है और प्राइस कितना लगेगा, तो 1 रुपये 20 पैसे, ठीक है। और उसके बाद में प्रीमियम प्राइस क्या है, तो 20 पैसा है। इससे कंपनी कितना रुपए जुटाएगी, तो 4,847.52 लाख। काफ़ी अच्छा न्यूज इस स्टॉक के लिए अब मुझे लग रहा है। हाँ तो दोस्तों, एक और बात कि 5 शेयर जिसके पास में है उसको 4 राइट इक्विटी शेयर मिलेगा, यानी कि इसके शेयर होल्डर के लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट वाला ऑफर है। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद में इस स्टॉक में अभी तक का न्यूज और डाटा मिलने के ऊपर जैसा कि मेरा विश्वास है कि ये स्टॉक अभी तक के लिए तो सही है। बाकी यह फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, इसके पास पैसा आ जाएगा उसके बाद में, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस, तो ये पूरा चीज वेबसाइट का नाम है screener.in, इसके सहारे देख रहे थे, यानी कि इसी पर देख रहे थे, इसी के द्वारा जो दिखाया गया है। बाकी अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।